हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दो फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस। और ये दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? देखिए दोनों फॉर्मूले काफी इजी हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है अकाउंट का, कैसे यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे COUNT, ठीक है। तो ये अकाउंट आ गया, अब ये आपने अकाउंट लगा लिया, तो देखिए काउंट करिए ना, यहाँ पर तो काउंट करने लायक है, आप हाथ से गिन के काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। अब यहां से पकड़िए और यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, बस हो गया काम, बंद कीजिए, एंटर कीजिए, 6 आ जाएगा, आ भी रहा है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए इसमें बीच में एक तो टेक्स्ट लिख दिया है हमने, इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो यहां लिखा COUNT काउंट, और इसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काउंट, और इसको बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अरे ये तो 5 ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है इसमें मैंने बीच में एक टेक्स्ट लिख दिया है, सो काउंट फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, छोड़ देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, काउंट फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर हम लगाएंगे काउंट ए, COUNT A, काउंट ए मिल जाता है आपको। यहां पर रखिए कर्सर को, ड्रैग करते हुए नीचे तक आ जाइए, बस हो गया काम, बंद कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए यहां पर 6 आ रहा है। तो काउंट और काउंट ए में डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा, ओके।